गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वदम्। प्रथम श्लोक हम लोग पढ़ेंगे मंगलाचरण का। आराध्यं परमं रामं नत्वा भक्त्या च सद्गुरुं ज्ञानसारं प्रवक्ष्यामि स्वात्मनिष्ठये च सिद्धये। श्लोक क्रमांक 5, 5, 6, 7 पेज नंबर 11 जिनके पास हिंदी की किताब। कोहं कुतोहं किमिदं च विश्वं कं पूजयन्ति हजनाश्च देवं प्रयोजनं किं मम जीवनस्य जिज्ञासुरेवं विचिनोति नित्यं तर्केण नैषा मतिरापनेया ज्ञात्वा श्रुतेर्गच्छति सद्गुरुं यः विवेकवैराग्यक्षमादियुक्तः गुरुं हि सेवेत स शिष्यवर्यः। श्रीगुरुवाच दृश्यं यदेतच्च जडं विकारी सर्वं यनात्मैव मृषा विनाशी आत्मा तु दृष्टैव चितिस्वभावो न दृश्यते नापि निबध्यते वा। शिष्य के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उस शिष्य ने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया। मल और विक्षेप, ये दो बाधाएं हैं, दो अड़चनें हैं, उसका उन्होंने निवारण किया कर्मयोग से, भक्ति योग से, उपासना से। और जब ऐसी चित्त भूमि हो गई जहां पर अन्य कोई इच्छा नहीं रही, अन्य कामना, अन्य आकर्षण समाप्त हुए, तो ऐसे अंतःकरण में मुमुक्षा तीव्र हो। और ऐसा वो तीव्र मुमुक्षु सद्गुरु की खोज में निकलता है। उसको प्रश्न जो है वो सोने नहीं देते। सामान्य व्यक्ति को सामान्य व्यवहार की चिंता जो है वो सोने नहीं देती। कल क्या होगा, परसों क्या होगा। साधक को नींद इसलिए नहीं आती कि बोले ये मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है। प्रश्न जो है अपने चित्त को अशांत रखते हैं, लेकिन ऐसी अशांति अच्छी है। तो जब से प्यासा है व्यक्ति तो पानी के लिए कैसे भागता है, तड़पता है। एक स्टेशन पे एक व्यक्ति पानी बेच रहा था, तो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति उससे भावताव कर रहा है, 10 रुपए का नहीं, 5 रुपए में दो, 8 रुपए में दो। बेचने वाला समझ गया कि इसको प्यास व्यास कुछ है। जिसको प्यास लगी वो भावताव करेगा कि सीधे ले लेगा। तो यहां पर भी ये साधक ऐसा प्यासा है, जहां उसको कहीं सत्संग मिलता है पहुंच जाता है, बोले यहां मेरा समाधान होगा, यहां मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वो तो खोजी बनता है, खोजी।
और उसको ज्ञान होता है, उस ज्ञान को कहते हैं आपात ज्ञान। थोड़ा थोड़ा, जैसे बारिश होती है तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है, ऐसे ही सत्संग में उसको थोड़े थोड़े कण मिलते हैं ज्ञान के कण। लेकिन अब वो ऐसे संत के पास जाना चाहता है जो उसको पूर्ण समाधान दे, तो उन्हीं संतों में से एक संत उसके गुरु होते हैं और गुरु से संबंध वो बनाता है। उसको कहा, यहां लिखा सशिष्य वर्य, वो शिष्य हो गए। और फिर सद्गुरु ने प्रश्न किया कि हाँ तुम प्रश्न करो, किस लिए आए हो, तो कोहम इत्यादि उसने प्रश्न पूछे। उत्तर यहां पे गुरुजी देते हैं, बोले दो चीजें हैं, यहां से वेदांत शुरू होता है। इस जगत को दो भागों में आप बांट सकते हैं, वर्गीकरण दृश्य और दृष्टा। दृश्य किसको कहेंगे, तो जो ज्ञेय है, वेद्य है, ज्ञात है उपकरणों के माध्यम से, मतलब इंद्रियां हैं, इनको उपकरण कहते हैं, करण। मन को अंतकरण कहते हैं, करण मतलब औजार इसको बोलते हैं, साधन, इंस्ट्रूमेंट। तो इनसे जो जो चीज ज्ञात हो रही है वो सब दृश्य। और मजे की बात ये है कि ये भी ज्ञात हो रहा है। एक अवस्था में देखे तो वो करण है, मतलब वो जानने वाले ज्ञाता है जैसा, लेकिन उसके अंतरंग में जाते हैं तो वो ज्ञेय बन जाता है। जैसे कलम ने कहा, नेत्र से हम जगत को जानते हैं, तो नेत्र यहां ज्ञाता हो गया, दृष्टा हो गया, लेकिन नेत्र भी तो मन भाष्य है, मन के द्वारा जाना जाता है, तो नेत्र भी किस श्रेणी में आ गया, दृश्य। ये आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल बेसिक वेदांत का सिद्धांत है। अब यहां पे स्पष्ट भेद किया है, बोले दृश्य के लक्षण और दृष्टा के लक्षण, इसमें भेद है। जो अंतिम दृष्टा है वो है आत्मा, मतलब जगत दृश्य है, इंद्रिया दृष्टा है, फिर इंद्रिय दृश्य है, मन दृष्टा है, और मन दृश्य है, फिर आत्मा दृष्टा है। लेकिन आत्मा का कोई दृष्टा नहीं, इसलिए अंतिम लाइन में क्या लिखा, न दृश्यते, आत्मा कभी भी दृश्य बनता नहीं, ये बनता नहीं, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए कौन कौन है, वो उसके अलावा वस्तु है ही नहीं। तो बोले उसका ज्ञान कैसे होता है, तो कहा वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। जगत की सिद्धि इंद्रियों से हो रही है, ठीक है ना, जगत है ये हम कब बोल पा रहे हैं, जब इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण होता है। लेकिन मैं हूं ये जानने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत है क्या, या किसी वृत्ति की जरूरत है क्या। अहम अस्मी सदा भामी, मैं हूं और मैं जानता हूं, मेरे जानने में किसी करण उपकरण इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं स्वतः सिद्ध हूं, स्वयं प्रकाश हूं। जैसे सूर्य के द्वारा सारी चीजें जानी जाती है, लेकिन सूर्य को जानने के लिए, मतलब सूर्य उदित हुआ है वो स्वयं ही बता देता है, स्वयं प्रकाश है। तो आत्मा तो दृष्टा एवं चिति स्वभाव, आत्मा चेतन है, और चेतन का लक्षण ही बताया है कि जिसको स्वयं का ज्ञान है। मैं हूं ये भान आपको अंधेरे में भी होता है, ठीक है, प्रकाश की जरूरत नहीं। मैं हूं ये भान एक अंध व्यक्ति को भी होता है, जिसके पास आंखें नहीं, बहरे को भी होता है, तो उपकरण की आवश्यकता नहीं है।
बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है। बोले पहले लाइट लगाओ फिर देखता हूं मैं हूं कि नहीं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो आपकी बुद्धि में लाइट की जरूरत है। तो स्वतः इसलिए आत्मा तो चिति स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, और आत्मा का चैतन्य स्वभाव है मतलब आत्मा का चैतन्य गुण नहीं है। एक होता है गुण और एक होता है स्वभाव। गुण गुणी संबंध नहीं है आत्मा और चेतन। आपने पढ़ा होगा द्रव्य गुण संबंध, एक द्रव्य होता है और उसका गुण होता है। जैसे लाल पुष्पम अस्ति, लाल फूल है, तो फूल हो गया द्रव्य और उसका गुण क्या हो गया, लाल, लालिमा। तो बोले ऐसे ही आत्मा है और उसका गुण है चेतना। तो बोले नहीं ये गलत है, ये वेदांत नहीं है। बोले इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्या आपत्ति है, आत्मा का गुण मान लो चेतना। बोले नहीं आत्मा ही चेतन है। आत्मा का गुण यदि आप मानोगे चेतन तो दो चीज हो जाएगी। लाल फूल में तो ठीक है लाल है और उसका अधिष्ठान आधार क्या है। देखो गुण गुणी संबंध में दिक्कत यह है कि ये जो गुण है ना ये गुण हमेशा नहीं रहता। अब जैसे लाल लालिमा जो है मुरझा जाएगा फूल तो वो फिर सूख जाएगा तो फिर उसका लालिमा चल जाए। तो गुण जो है ना वो अनित्य है, आगमा पाई आने जाने वाले। लेकिन आत्मा में जो चेतना है वो आने जाने वाली नहीं है, ध्यान से सुनो। इसलिए चेतना को गुण के स्थान पे मत रखिए, गुण स्थान ही नहीं है। आत्मा का गुण चेतना हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, कभी वो जानेगा कभी वो नहीं जानेगा, होगा कि नहीं। चेतन का लक्षण क्या बताया है, ज्ञान स्वरूप जिसको स्वतः का भाग है। अब आत्मा यदि चेतन वाली गुण वाली हो गई तो गुण कभी होगा कभी नहीं होगा, तो मैं कभी जड़ कभी चेतन, और ये अनुभव विरुद्ध है। हम अपने आप को कभी भी जड़ अनुभव नहीं करते। सो इति सिद्धम कि आत्मा का चेतन नाम का जो गुण है गुण नहीं है, क्योंकि आत्मा है वह चेतन, और उसी को बोलते थे स्वभाव। या शब्द है स्वरूप, स्वस्य रूप स्वस्य भाव, आत्मा ही चेतन। स्वभाव या स्वरूप का लक्षण क्या होता है, तो बोले जो आता जाता नहीं, आपको पहले भी शायद हमने बताया होगा, अहेयम अनुपादेयम, जिसका न त्याग होता है न जिसका ग्रहण होता है उसको कहते हैं स्वभाव। जैसे शकर में जो मिठास है वो उसका स्वभाव है, उसकी मिठास न तो कहीं से उसको लानी न वो मिठास जाएगी, जब भी शक्कर है वो कैसी लगेगी, मीठी। ऐसा नहीं कि मालूम है आज तो शक्कर खा रहे हैं देखते हैं मीठी लगेगी तीखी, हमारा भाग्य होगा तो मीठी, ऐसा देखते हैं गुलाब जामुन यदि शक्कर मीठी होगी तो लगेगा नहीं तो तीखा लगेगा, ऐसा कभी होता है क्या। उसका स्वभाव है चाहे आप दिन में खाइए रात में खाइए, एकादशी को खाइए या संडे को खाइए, वृद्ध व्यक्ति खाए या युवा व्यक्ति, वो रहेगी मीठी ही। इसको कहते हैं न त्याज्य है न ग्राही है। डोंट हैव टू ब्रिंग दैट स्वीटनेस, कहीं से लानी नहीं है उसको, और ऐसा डर भी नहीं कि शक्कर की जो है मिठास खत्म हो जाएगी। अब डिब्बे में पड़ी है शक्कर इतने दिन से लेकिन वो मीठी है ना। बोले ऐसे ही आत्मा चेतन है, चित्त स्वभाव ज्ञान स्वरूप ये।
अब आत्मा शब्द बोलते ही हम लोग जो है ना, एक आदत पड़ी हुई है उसको परोक्ष मानते हैं। बोले अच्छा आत्मा नाम की एक चीज है, ओके वो कैसी है, चेतन है, लेकिन मेरा उस आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। ये एक आदत पड़ी हुई है परोक्ष बनाने की। बोले नहीं, ये वेदांत की विशेषता है कि वो आत्मा तुम हो मैं हूं, इसको अपरोक्ष करके जब तक हम नहीं समझेंगे हमने वेदांत को बचाया नहीं। हालांकि पहली सीढ़ी तो यही है कि आत्मा को क्या हम माने, एक है भैया, लेकिन वो आत्म तत्व मैं ही, ये अद्वैत वेदांत की विशेषता है, अपूर्वता है। किसी दर्शन ने ये नहीं कहा कि मैं ही आत्मा, लोगों ने कहा मैं आत्मा का अंश हूं, ऐसा बोलती चेतन का अंश हूं, लेकिन यहां पर क्या लिखते हैं, आत्मा तो दृष्टा है, जो दृष्टा आपने खोजा कि मन को देखने वाला मैं हूं, वो तो कोई है, ये मैं ही आत्मा है, ये मैं ही ब्रह्म है, ये मैं ही परम सत्य है, ये अद्वैत है। इसलिए कहते हैं इस आत्मा का आप कोई दृष्टा नहीं, ये अंतिम दृष्टा है। आप दुर्दृश्य विवेक पढ़िएगा उसमें आता है, न तो दृश्यते नापि निबद्धते वा, अंतिम पंक्ति देखिए, न निबद्धते, आत्मा जो है वो बद्ध नहीं होता। आत्मा को कौन बांध देगा, आत्मा को कौन बांध देगा, आत्मा सर्वबंध मुक्त है। इसलिए हम गुरुदेव के जो 108 नाम लेते हैं है ना, आप लोग पूजा करते हैं, उसमें अंतिम नाम क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ना, नित्य मुक्त स्वभाव। भले ही अभी हमको लग रहा है कि मैं बद्ध हूं, लेकिन सत्य है कि मैं मुक्त हूं। बोले ऐसा क्यों लगता है कि मैं बद्ध हूं, सीधी सी बात है, आपने विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। तो और अच्छे से बोले तो कभी अपने ध्यान नहीं दिया आपने, ध्यान तो हमेशा बाहर ही बाहर रहा। देखो जिस चीज की ओर हम ध्यान देते हैं वो चीज अपना रहस्य खोल देती है। जिस चीज के ऊपर आप एकाग्र हो जाए, वैज्ञानिकों के जीवन में यही घटित होता है। न्यूटन ने ध्यान किया कि पृथ्वी क्या कहते हैं, ये वस्तु क्यों गिर रही है, क्यों गिर रही है। अब हमने भी गिरते हुए देखा, लेकिन ध्यान दिया क्या, यदि एप्पल गिरा तो हमने ये नहीं सोचा, हमने कभी यही सोचा कि कोई देखे उसके पहले हम उठा के खा लें, या ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन अब उसने इसी पर चिंतन किया तब जाके एक रहस्य खुला, अरे नहीं पृथ्वी में एक शक्ति है। जितने ऋषि मुनि लोग हैं ये सारे ऋषि भी वैज्ञानिक ही है, उनकी प्रयोगशाला अंतःकरण, उनकी प्रयोगशाला ये कार्य कारण संगात, ये जो शरीर मन लेके बैठे। महर्षि पतंजलि ने प्राणों के ऊपर ही खूब चिंतन किया, प्राणायाम की डिस्कवरी हुई, देखो प्राणायाम करने से ऐसा लाभ। अब हम लोग श्वास लेते कभी देखते ही नहीं कि श्वास का क्या परिणाम है मन पर शरीर पर। जब सर्दी होती है तब ध्यान जाता है श्वास को, श्वास लेने में दिक्कत हो गई, तो ध्यान दिया। तो आत्मा की ओर यदि ध्यान दिया जाए तो आत्मा के सारे लक्षण दिखने लगे। जब तक ये नहीं ध्यान देते तब तक चल रहा है तो मनुष्य हूं मैं, पुरुष हूं मैं, स्त्री हूं मैं, दुखी हूं है। जब वेदांत की कक्षा में आके बैठते हैं तो ध्यान दिलवाया जाता है बलात् बलात्, यहां पे आपको अपना चिंतन करना, क्योंकि वृत्ति बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि किसी बाह्य विषय का उच्चारण ही नहीं हो रहा।
इसलिए कहते हैं श्रवण जो है ये ध्यान है, सालंब ध्यान, आलंबन सहित ध्यान हो रहा है। अब यहां लिख दिया न निबद्धते, आत्मा को बांधा नहीं जा सकता। अब हमको क्या लगता है, आत्मा तो शरीर में बंधी हुई है ऐसा लोग, लेकिन ये सब अविचार सिद्ध है, ये बिना विचार किए हमने मान लिया, ये सब माना हुआ है, जाना हुआ नहीं। वेदांत में जितनी भी चीजें हैं, जितने सिद्धांत हैं, वो हमको बिल्कुल उल्टे मालूम पड़ते हैं, जो आज तक हमने अनुभव किया है, आज तक जो मान्यताएं हैं उसके उल्टा। पहले ही दिन कह दिया जाता है तुम शरीर नहीं हो, बोले आज तक तो यही मानते रहे। हमने पीछे भी कहा था जो हम आज तक मानते आए हैं वही हम भी यहाँ पे आपको बताएं या शास्त्र हमको बताए, तो फिर शास्त्र की आवश्यकता क्यों, पहले ही हम तो सिद्ध हैं। यहां पे दिए बताया आज से हम सब क्या माने अपने आप को, शरीर भोग करने में ही लाभ है, त्याग में कोई लाभ नहीं है। अभी आप पहले से जानते हैं, मान्यताएं विरुद्ध लगती है हमारे और, लेकिन देखना है हमारी मान्यता सच है या इच्छा सभी मान्यता, और उसके लिए तर्क की कसौटी पे कसी है, शास्त्र की कसौटी पे कसी है। विचार अविचार कृतो बंध, बंधन किसके कारण है, बोले अविचार। तो आत्मा नित्य मुक्त है। अच्छा क्यों मुक्त है, इसका तर्क क्या है, तर्क की कसौटी पे कस के हमको बताइए, क्यों ये तो स्टेटमेंट हुआ ना, एक वक्तव्य हुआ कि आत्मा मुक्त है, पर कैसे क्यों नहीं, बोले वेद कह रहा है, ठीक है श्रुति कह रही है। तर्क यहाँ पे सीधा ये कोई कठिन नहीं है कि वही वस्तु बंधन में आ सकती है जिसका आकार हो, ठीक है, निराकार चीज है उसको कैसे बांधोगे, बांधने के लिए कुछ उसका अवयव चाहिए ना, पेड़ को बांध सकते हो, कुर्सी को बांध सकते हो, आकाश को बांध के बताइए, आकाश मतलब अवकाश स्पेस, निराकारत्व मुक्त ये हेतु हो सकता है। आप लोगों ने न्याय वगैरह पढ़ा होगा, न्याय दर्शन, प्रतिज्ञा होती है फिर हेतु होता है, प्रतिज्ञा यहां पर यह है कि आत्मा मुक्त है, ठीक है, हेतु क्या है, हेतु मीन्स रीजनिंग, तर्क, बोले निराकारत्व निराकार है, दृष्टांत उदाहरण क्या है, बोले आकाश यथा आकाश, अपने आप एक तर्क की ऐसी सुदृढ़ परंपरा है, जबरदस्त परंपरा। लोग बोलते हैं हम लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल, आप लोग केवल वेद की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, ऐसा नहीं, लोग बोलते हैं हमको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो आपने ऑलरेडी है। तो आत्मा पर विचार किया जाए तो वो मुक्त ही सिद्ध होगा, लगता भले ही है तो लगने से कुछ नहीं होता, कई आपको उदाहरण दे चुके हैं, तो इसलिए ये अंतरंग वृत्ति लेकर सोचिए, न दृश्यते, आत्मा को देखने का प्रयास कीजिए, आत्मा दिखाई नहीं दे, आत्मा तो मैं। अब लोग कई बार ये कहते हैं आज हमको आत्मदर्शन हुआ, बोले क्या हुआ, बोले ऐसी जबरदस्त लाइट एकदम चमकी, लाल लाइट नीली लाइट, तो ये जो लाइट है ना ये आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप रंग, ये दिव्य अनुभव हो सकते हैं, अपने भीतर इतनी मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, उसको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो जो रंगों को देखना वो एक संत कहते थे, आज कोई कहता है कि हमको ध्वनि सुनाई, शंख ध्वनि,
घंटा ना, बोले यही है क्या आत्मदर्शन? तो बोले हमको आज ये रंग दिखा, वो रंग दिखा। तो उन्होंने कहा कि आत्मा मतलब लाइट एंड साउंड शो नहीं है। लाइट एंड साउंड होता है कभी ऑडियो विजुअल, ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा का आवाज सुनाई देगा या आत्मा का वर्ण दिखाई देगा। अवर्ण अचक्षु श्रोत्र, इस तरह से विचार किया जाए तो मैं कौन हूं ये ठीक से समझ में। गुरु जी आगे कहते हैं इसी आत्मा के बारे में कि यह आत्म तत्व कैसा है। जब भी आत्म शब्द का प्रयोग किया जाए तो भीतर अपनी ओर ध्यान देना चाहिए, आत्मा की कल्पना मत की। अब बोले ये आत्मा का दो लक्षण आपने बता दिए, दो चार लक्षण तो बता दिए कि दृष्टा है, चिति स्वभाव है, मुक्त है, दृश्य नहीं बनता, ठीक है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब आगे कहते हैं यही आत्मा साक्षी है। सुनिए, आत्मा हि नित्यो अखिल लोक साक्षी, स एव जगतः परमाश्रयोऽपि, एवं विजानन् सदसद्विवेकी, भवति ह सिद्ध परमार्थदर्शी। कहते हैं आत्मा ही निश्चित ही आत्मा क्या है, अखिल लोक साक्षी। साक्षी को कहते हैं विटनेस, देखने वाला है। साक्षी का अर्थ होता है साक्षात ईक्षते, साक्षी जो डायरेक्टली देखता है, सीधा सीधा देखता है किसी उपकरण के बिना, मतलब किसी साधन की जरूरत नहीं है। जैसे आप बैठे हैं और आप अपने विचारों को देख रहे हैं, मतलब जान रहे हैं, तो विचारों को जानने के लिए किसी बाह्य साधन की जरूरत है क्या? सीधे से आप देख रहे हैं, नींद आ रही है जैसे ये विचार है, अश्रद्धा आ रही है, बहुत प्रेम आ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, तो ये आप जानते हैं सीधे सीधे, आप उसके साक्षी हैं, शास्त्रीय भाषा में साक्षी। और साक्षी कहने का अर्थ होता है, इसमें छिपा हुआ अर्थ ये है कि आप केवल जानते ही नहीं बल्कि असंग रहकर जानते हैं। साक्षी का ये लक्षण, असंग रहकर जानना। आपने सुना होगा कोर्ट में केसेस चलते थे, कोई ना कोई केसेस, तो क्या उसमें इसका गवाह कौन है? गवाह, गवाह मतलब विटनेस, वो सिद्ध करता है कि ऐसी ऐसी घटना घटी, ठीक है। अब वो जो गवाह होता है वो असंग लेके जानता है कि बोले हमने केवल देखा सड़क पे एक दूसरे को व्यक्ति मारता है, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट, बट वो क्या है, देख रहा है। तो न केवल देख रहा है बल्कि असंग है। तो आत्मा न केवल वृत्तियों को विचारों को जान रहा है बल्कि विचारों से अब प्रभावित, हाँ, असंस्पृष्ट, अनासक्त, अलिप्त, यदि आत्मा का संग हो जाता वृत्तियों से तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्रोध आया हम क्रोधी हो गए तो फिर हमेशा के लिए क्रोधी हो जाते हैं, यदि संग होता वास्तव में तो। लेकिन उतनी देर के लिए संग हुआ सा मालूम पड़ता है, हम थोड़ी देर के लिए क्रोधी हो जाते हैं, लेकिन दो क्षण के बाद अरे क्षमा करो मैं जरा भूल गया था अपने आप, एकदम हम नॉर्मल हो जाते। लोग बोलते हैं अब नॉर्मल है, आप बात कर सकते हैं, बीच में एब नॉर्मल हो जाता। तो वो वृत्ति के साथ तादाद में हो जाने के कारण ऐसा लगा कि आत्मा कामी क्रोधी हो गई, लेकिन है नहीं है, साक्षी।
साक्षी मतलब बिना प्रभावित हुए जानना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें जुड़ना नहीं। प्रवचन में आप लोग साक्षी होके मत बैठिए, प्रवचन में मत अप्लाई कीजिए, स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं मैं केवल देख रहा हूं। अब प्रभावित आप जो सुना रहे हैं उसका प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। एक होता है भोक्ता और एक होता है साक्षी। भोक्ता मतलब न केवल वो जानता है बल्कि उसका आनंद लेता है, उससे प्रभावित होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप भोक्ता बनिए, विचारों के भोक्ता, व्यावहारिक जगत में साक्षी। तो आत्मा का यदि लक्षण देखा जाए, स्वभाव देखा जाए, तो साक्षी। और किसका साक्षी है? न केवल वृत्तियों का, अपने इंडिविजुअल मन का, अखिल लोक का साक्षी। अखिल लोक, लोक मतलब जो अनुभव का क्षेत्र है, जहां पर हम अनुभव ले रहे हैं सब, उसको कहते लोक, पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक। तो इस पूरे लोक का ज्ञान आत्मा को हो रहा है और वो अप्रभावित है। अब ऐसा हमको जानना है। अच्छा, और ये साक्षी ऐसा नहीं कि कभी है कभी नहीं है, नित्य। एक एक शब्द एकदम मोती की तरह, इसके ऊपर खूब चिंतन की। नित्य अखिल लोक साक्षी। तो जब हम ध्यान में बैठे हैं तो इसको आप देख सकते हैं। प्राय प्राय ध्यान की शुरुआत इसी विचार से होती है कि आत्मा क्या है, साक्षी है। विचारों को देखो, शरीरों को देख, शरीर को देखो, सिर से लेकर पैर तक एक एक अवयव को देखो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का साक्षी दृष्टा कराया जाता नहीं है। फिर श्वास को देखिए, श्वास आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है, लेकिन मैं श्वास नहीं हूं। श्वास प्राण का धर्म है, सांस, तो ये हम देख सकते हैं। अच्छा, ये यहां तक तो ठीक है, पकड़ में आ जाती है बात कि मैं साक्षी। लेकिन अगली पंक्ति जरा भारी है। अगली पंक्ति में लिखते हैं स एव जगत परमाश्रयोपि। बोले यही साक्षी जो आपने खोजा, अपने आप को जाना, यह साक्षी या यह जो मैं है, यही पूरे जगत का आश्रय है। ध्यान से सुनिए, स एव, स मीन्स आत्मा, स सर्वनाम है, स मतलब वह जिसको अभी अभी आपने पकड़ा, समझा, जाना, वही आत्मा जगत का आश्रय। बोले ये तो जरा ज्यादा ही आप बोल रहे हैं, मतलब मैं जगत का आश्रय हूं, क्योंकि आत्मा इज इक्वल टू मैं, आत्मा मतलब मैं साक्षी हूं, ये तो बात पच रही है, लेकिन मैं आश्रय हूं। मुझको तो लगता है जगत नाम की चीज है और उसमें मैं आश्रित हूं। जगत में बहुत सारी चीजें आश्रित है, उसमें मैं भी। अब ये हम कह रहे थे वेदांत में तो उल्टा ही बोल दिया जाएगा, यू आर गिविंग सपोर्ट टू होल वर्ल्ड, वर्ल्ड इज सपोर्टेड बाई यू। अरे बोले आप हमारे लिए बोल रहे हैं कि वो कुछ इधर। बोले मैं ये तो समझता था कि मैं सपोर्ट हूं, आधार हूं, घर का आधार हूं, समाज का आधार, यहां तक तो बात ठीक है, देखिए जगत का आश्रय में। अब ये बात कुछ पची नहीं है, तो बोले हाज मोला खाइए। आती है ना ऐसे ज्ञान का हाज। अब देखिए ये ऐसे भारी विचार, इसके लिए काफी समय की आवश्यकता है। केवल एक उदाहरण देके मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा क्या, उसके ऊपर बाद में आप सोचिए। एक उदाहरण से पहले से स्वप्न का उदाहरण। सपना हम लोग देखते हैं, स्वप्न तो देखा होगा। हाँ, हम बहुत देखते हैं। स्वप्न के हम साक्षी होते हैं कि नहीं, पहले ये देखो। इसलिए सुबह उठ के हम बोलते हैं अरे आज मैंने ऐसा सपना देखा।
स्वप्न में देखा हजारों लोग थे और मैं भाषण कर रहा था, सब तालियां बजा रहे थे। तो स्वप्न के हम दृष्टा होते, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन साथ में एक दूसरी बात भी होती है, न केवल हम उस पूरे स्वप्न जगत के देखने वाले होते हैं बल्कि पूरे स्वप्न जगत के आधार भी होते हैं। पूरा स्वप्न आया किसमें? मुझ में। किसमें टिका रहा? मुझ में। और किसमें विलीन हुआ? मुझ में। तो एक ही साथ दो चीज घट रही है कि नहीं? मैं स्वप्न का साक्षी भी हूं और स्वप्न का आश्रय भी। समझ रहे हैं? बस बोले उसी सिद्धांत को यहां भी लगा कि आत्मा वस्तु साक्षी तो है ही, आधार भी। अब हमको क्या लगता है, जैसे मैंने कहा कि जगत आधार है और मैं उसमें हूं, ऐसी दूसरी एक उल्टी समझ क्या है, शरीर आधार है, आश्रय है और उसमें आत्मा बैठी हुई है, आश्रित है। वेदांत को पढ़े बिना सुने बिना यदि कोई पूछे आपसे कि आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा है, शरीर में आत्मा है हम लोग बोलेंगे कि नहीं? जब तक आपने यहाँ पे क्लासेस अटेंड नहीं की, मतलब वेदांत का संस्कार नहीं है, शरीर में आत्मा है, शरीर से आत्मा निकल गई, अरे निकल गई थी आ गई एकदम, फिर घबराते गई भी आत्मा। तो आत्मा को मानो कि किसी वस्तु बना देते हैं और शरीर आधा, तो फिर शरीर बड़ा हो गया आत्मा से, अरे तो फिर शरीर को ही जाने और शरीर का ही पोषण करे, क्यों आत्मा के पीछे? लेकिन सत्य ठीक विपरीत है, आत्मा ने आधार दिया है शरीर, क्योंकि देखिए नियम ये, जितना सूक्ष्म होगी ना वस्तु वो आधार बने। इसके पर और आप विचार कीजिए, जैसे आकाश जो है पृथ्वी का आधार है, आकाश सूक्ष्म, पंच तत्वों में सबसे अधिक सूक्ष्म कौन? आकाश। पृथ्वी का आधार जल, जल का आधार अग्नि, अग्नि का आधार वायु, वायु का आधार, और आकाश का आधार जो आकाश से सूक्ष्म है वो है मन, ये मन, और मन का आधार आत्मा। तो पूरे जगत का आधार मैं हूं, ऐसा यहां। एक दूसरा तरीका भी है कि पूरे जगत को हम जानते हैं, पूरे जगत को जानने का तरीका है वृत्ति, थॉट, विचार। जब तक विचार नहीं बनता उस चीज का हम जानते नहीं। पूरे जगत का ज्ञान विचार से हो रहा है, तो पूरा जगत कहाँ आ गया? विचार। ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, तो इसकी वृत्ति बनी कि नहीं? तो ब्रह्मांड आ गया वृत्ति में, और वृत्ति कहाँ है? आत्मा में। इसलिए पूरे ब्रह्मांड का आधार कौन है? आत्मा या मैं है। होता ये है, गलती हम लोग ये करते हैं कि मैं कहते ही ध्यान अपना जाता है शरीर की ओर। शरीर को ही यदि मैं मानेंगे तो ये वाक्य कभी भी घटित नहीं होगा कि मैं जगत का आश्रय। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। शरीर में यदि आत्मबुद्धि होगी, अहम बुद्धि होगी और फिर इन वाक्यों को समझने का प्रयत्न करेंगे, ये कभी समझ में आने वाले नहीं है। अरे मैं कहां से आ रहा? इसमें जहां की बात की जा रही है वहां मन को ले जाइए। आत्म चैतन्य को आधार कहा जा रहा है, शरीर को आधार नहीं कहा जा रहा है। कई बार संत लोग एकदम इतनी ऊंचाई से बात करते कि सामने वाले को समझ में आता है। एक संत आ रहे थे तो किसी ने पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा आप कहां से पूछ रहे हैं। शरीर के स्तर से बोल रहे हैं तो मैं यहां से आया, और आत्म स्तर से बोल रहे हैं तो मैं कहीं से आया गया। अब ये जो वेदांत के वाक्य जब सुनते हैं ना लोग, तो बोले क्या गप मार रहे हैं, मैं अनंत हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं व्यापक हूं,
अहिंसा से शब्द है ना। अब वेदांत का यदि वेदांत की कृपा न हो तो ये सब काल्पनिक वाक्य लगेंगे, बोले ये मालूम नहीं। कई लोग बोलते भी है ये एक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट है, मतलब तो बौद्धिक मनोरंजन, बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को ऐसा बोलना, मैं अनंत हूँ, व्यापक हूँ, आनंद रूप हूँ, थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए ना अपने बारे में, इसलिए ऐसा सोच। लेकिन ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा। तो ऐसा कौन बोलेगा जिसने ठीक से गुरु के शरण में रह के कुछ चिंतन नहीं किया। ये कोई दंत कथा नहीं है, दंत कथा मनवाना कुछ, बोले ऋषि को ऐसे क्या झक में आके ऐसे लिख दिया हूं। सही जगत परमाश्रयोगी, परमाश्रय में ये। अच्छा, ऐसा जो जानता है वो कौन है, बोले वही सिद्ध व्यक्ति है, स परमार्थदर्शी, उसी ने परम अर्थ को जाना है। परमार्थदर्शी मतलब परम सत्य को देखने वाला। अब देखने वाला मतलब उसको दृश्य मत बोलिए, देखना मतलब जानना। ये कई बार आपने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं देखा है मैंने, देखा है मतलब समझा है, जाना है। अंग्रेजी में तो सीधा बोल ही देते हैं, कोई बोलता है हाँ यस आईसी, और तुम कहाँ काम करते हो, बोले आईसी बैंक में करते हैं, तो कहा ओके आईसी। तो आईसी मतलब आंख से नहीं देखा है, समझ गया है, ज्ञान के अर्थ में देखना। तो परमार्थदर्शी मतलब परम वस्तु का अच्छे से इसने संशय विपर्य रहित अनुभव किया है। अच्छा, परमार्थ मतलब क्या, तो बोले ऐसी वस्तु जिसके ऊपर और कोई नहीं, परम। इंद्रियेभ्य परार्थ अर्थेभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान पर महत परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुष पर। ऐसा क्रम बताया, इंद्रियों से परे बुद्धि है, मन है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अव्यक्त है ना, ये त्रिगुण इत्यादि, उससे परे आत्मा है, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं। जैसे भक्ति की भाषा में क्या बोलते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं। इसलिए नारद जी बोलते हैं विष्णु भगवान को कि आपने हमको बानर का मुख दिया, क्योंकि आपको डांटने वाला कोई नहीं, आपके सिर पे कोई नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इसलिए अपना मनमाना आचरण करते। बताइए, एक अच्छे बड़े ऋषि को आपने तो वहां जो वाक्य है परम स्वतंत्र न सिर, भगवान विष्णु कहते बराबर बिल्कुल सही कह, मेरे ऊपर कोई नहीं। वेदांत की भाषा में यही आत्मा ही परम अर्थ, अर्थ मतलब होता है वस्तु, संस्कृत में अर्थ का अर्थ है वस्तु, तो परम वस्तु, परमार्थ दर्शी, इस परम वस्तु को जिसने बढ़िया से जान लिया, जिसको शंका नहीं है, तो वही परम वस्तु में हो गया। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने इतना मोटा एक ग्रंथ लिखा है दासबोध, उसमें वो कहते हैं कि परमार्थी तो राज्यधारी, जो परमार्थी नाही तो भिखारी। इसका अर्थ ऐसा है कि महाराज कौन है, बड़ा राजा कौन है, चक्रवर्ती सम्राट कौन है, तो बोले जिसने परम वस्तु का ध्यान किया या ज्ञान प्राप्त, वो असल में राजा है। नहीं तो बोले भिखारी है, भले कितना भी बड़ा राजा हो लेकिन उसको परम वस्तु का ज्ञान नहीं है तो भिखारी है, सीधा बोल दिया। क्योंकि अभी उसको यश चाहिए, कुर्सी चाहिए, क्या क्या चाहिए, है बोले भिखारी। सो परमार्थी तो राज्यधारी, जो परमार्थी वही, इसलिए हम देखते हैं संतों को क्या बोलते हैं, महाराज, महाराज बोलते हैं, अखंडानंद जी महाराज, चिन्मयानंद जी महाराज, तो राजा से भी बढ़ते। इसलिए बड़े बड़े राजा भी ऐसे सिद्ध संतों के चरणों में बैठते, वशिष्ठ ऋषि के चरणों में दशरथ जी,
तो परमार्थदर्शी हो गया। अब कहते हैं ये जो परमार्थदर्शी है, जिसको ये ज्ञान हो गया है स्वयं का, अब उसको स्वयं के बारे में और क्या अनुभव हुआ, तो सुनिए अगले श्लोक। अहमेव तत्त्वं जगदाश्रयं यद् भिन्नं यतः सर्वमाभासमात्रम् कुतो भयं मे परमार्थदर्शिनो ययं परानन्दस्वरूप एव। अब यहाँ पे गुरु जी सीधा अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, आत्मा शब्द नहीं, अहमेव मैं ही, मैं कौन हूं, तो बोले जगत आश्रय, जगत का आश्रय, पूरा जगत का अनुभव मुझ में हो रहा है। हम लोगों ने जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पढ़ा था उसमें भी आया था, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम, जैसे वो दर्पण के अंदर सब कुछ दिखता है ऐसे ही मुझ में सब कुछ दिखता है। देखो हमको लगता है कि वस्तु बाहर है तो हमको ज्ञान भी बाहर हो रहा है, लेकिन ये गलत है, ज्ञान होता है भीतर, सारी चीजें अंदर आती है। आंख नाक कान इत्यादि ये पंच विषयों को लेके मन को देते, मन आत्मा को, ये पांच जो है ना ये सेविकाएं हैं, दासियां, एक एक चीज लाके देते, फिर मनीराम उसका ठीक से सब कुछ जोड़ते हैं। आंख ने शब्द दिया, कान ने आपने शब्द दिया, आंख ने रूप दिया लाके, कान ने क्या दिया शब्द, जीभ ने क्या दिया स्वाद, सब मिल मिला के हम कहते हैं एक लाल गुलाब जामुन था, उसका ऐसा गंध था और मीठा था, है ना, ये सब चीज मिलेगी। तो पूरे जगत को जब तक आप अंतरंग में नहीं लाए, अंदर, तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो इसे सिद्ध यही होता है कि ज्ञान अंदर ही होता है, अंदर ही होता है, मतलब आत्मा ही क्या है, अधिष्ठान है। विचार की अच्छा, और आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, देखो यहां एक और उसका क्या अनुभव, ध्यान से सुनिए, बोले जो आत्मा के अलावा जो चीज है वो क्या है, सर्वम आभास मात्र, आभास, आभास का अर्थ क्या होता है कि लगता तो वो है लेकिन वो होता नहीं, तो आभास, अविद्यमाने सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम, ऐसी एक परिभाषा है। अविद्यमाने, अविद्यमाने मतलब विद्यमान नहीं होती लेकिन फिर भी भासमान होती, लगती है कि है उसको बोलेंगे अरे ये आभास है, आभास मतलब झूठा, मिथ्या। अब इसका उदाहरण मतलब मैं इधर उधर नहीं जाता, आपने सुना है रज्जू सर, कम से कम एक क्लास में तो उसका उच्चारण हो गया, रस्सी और सांप। अब जो सर्प है वो आभास है कि नहीं, आभास है, लेकिन क्या है, लग रहा है, विद्यमान लग रहा है लेकिन है नहीं, तो विद्यमान न होते हुए भी जो लगे वो है। अब ऐसी बहुत सी घटनाएं भी घटती रहती है, हम लोग व्यक्ति को कभी कभी क्या समझ लेते हैं, जो सज्जन है उसको दुर्जन समझ लेते हैं, ये भी क्या है मिथ्या। सत्य का ज्ञान होता है तो मालूम पड़ता है वो व्यक्ति वैसा नहीं है, तो वो आभास मात्र था, दुर्जनत्व का आभास। आकाश में जो नीली नीला रंग दिख रहा है वो क्या है, आभास लग रहा है, लेकिन परीक्षण किया जाए तो वो झूठा सिद्ध हो गया। जगत के साथ भी यही है, जगत भारी सत्य लगता है, ठोस सत्य है, तो क्या होता है ठोस सत्य, लेकिन वेदांत के प्रकाश में विचार करें तो नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड, तो भाप बन के उड़ जाएगा, है ही नहीं,
आप सब उल्टी ही बात कर रहे हैं, क्या जगत इतना सत्य है, हमको इतना सिर दर्द हो रहा है, तो क्या सिर झूठा है, दर्द झूठा है? लोग एकदम ऐसा पूछते, अरे इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, इसको आप कह रहे मिथ्या है, आभास है। अच्छा, सपने में भी आपका सिर दर्द हो रहा है और पहाड़ दिख रहा है, तो क्या सच्चा है? सोचिए जरा, दिखने मात्र से कोई चीज सच्ची नहीं होती। सत्य की परिभाषा क्या है? जो पहले भी रहे, आज भी रहे, आगे भी रहे, त्रिकाल एक ही तिष्ठत। तो यदि ठीक से हमने विश्लेषण किया, ऊपर ऊपर से तो देखिए कभी नहीं लगेगा कि जगत सपने की तरह है, आभास है, ऊपर से तो कभी नहीं लगेगा। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब चलिए हमारे बात पे आप विश्वास मत कीजिए, शिवजी के बात पे, तो कि शिवजी भी मिथ्या भाषण कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है, लेकिन हम जो मान रहे हैं वही सच है, ये झूठ है। इसलिए यहां पर कहते हैं सर्वम आभास मात्र, आभास, इसी को बोल देते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या का अर्थ ये नहीं होता कि आपको चीज दिखेगी नहीं, अनुभव में नहीं आएगी इत्यादि, ये नहीं होता। अब सपना भी अनुभव में आता है, यदि क्या कहते हैं बड़ा दुखदायी कोई ऐसा सपना हो तो फिर जाके हम परेशानी होती है, क्या देख लिया हमें, लेकिन जो दुख हो रहा है इसलिए वो सपना सच है, ऐसा नहीं होता। सपने में हमने देखा कि हम परीक्षा में पास हो गए, इसका मतलब वो सच है, ऐसा नहीं। मार्कशीट में दिखाई देगा जब स्कूल में जाओगे, फिर नहीं, सपने में तो देखा था हमने। तो आभास मात्र, विद्यमान होते हुए भी विचार करने पे जो चीज टिकती नहीं, सिद्ध नहीं होती, असिद्ध हो जाती है, उसको कहते हैं आभास। तो अब इस आभास में सब के सब चीज आ जाती, ब्रह्मांड से लेके मन तक, ब्रह्मांडांतम जगत से, लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत से, मन से लेके ब्रह्मांड तक सब आभास। मिथ्या है, प्रातितिक है, इसको पचाने के लिए काफी शक्ति चाहिए। हाँ बोले, हम थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं मिथ्या। एक व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं समझ गया क्या सब कुछ आभास है, 99% समझ गया, 99% मुझको लगता है कि जगत आभास है, लेकिन 1% बोले क्या समझ में नहीं आया, कैसे कहते हैं? तो लोगों के जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो मुझको बिल्कुल आभास लगता है, लेकिन मेरे सुख दुख जो है ना, बस थोड़ी सी बस। तो अपने आप को 99% नंबर दे रहा है, वेदांती कहेगा 0 नंबर। स्वयं के सुख दुख को, शरीर मन बुद्धि को जब तक आवास नहीं समझेंगे तब तक इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो बड़ा आसान है, दूसरे का सिर दर्द हो रहा है तो हम बड़ा उपदेश कहते हैं, इस सिर होगा तो दर्द तो होगा, दवाई ले लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन अपने पे आती है तो फिर उसका नंबर, वो आके उपदेश करता है। तो ये अध्यात्म ज्ञान या वेदांत अपने ऊपर घटाने के, ठीक है ना, अपना अनुभव आभास लगे, अपना शरीर मन से, तो फिर धीरे धीरे होता है। तो सर्वम आभास मात्र, और कुतो भयम में परमार्थ दर्शी, मैं जो परमार्थ दर्शी हूं, देखो सिर्फ मैं बोल, मैं सिद्ध, मैं ज्ञानी। अब 2 क्षण के लिए आप कल्पना कीजिए कि ज्ञानी हो गए, 2 क्षण के लिए ऐसा सोचिए कि सब कुछ आभास है। तो यहां पर बड़ा अच्छा कहते हैं, तब बोले कुतो भयम, तब डर किस बात का? शरीर आभास है तो शरीर का मरण भी आभास है, तो फिर मरण का भय का?
भय का कारण वेदांत कहता है, भय का कारण व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति नहीं है। द्वितीयात वै भयम भवती, द्वैत के कारण भय लगता है। दूसरा सच्चा है, दूसरा है, इसको जब तक हम मानेंगे तब तक डर लगा रहेगा। ऐसा कहा द्वितीयात वै भयम, मतलब सरल बात है, आपको अपने हाथ से डर लगता है क्या? मालूम नहीं कब हाथ मेरे सिर पे लागू या गाल पे पड़ जाए, अपने से अपने को डर नहीं। लेकिन दूसरा आ जाए तो फिर डर लगता है। जहां परायापन है वहां डर है, और दूसरा वो पराई वस्तु सत्य है। कोई पराए व्यक्ति का पुतला है, बड़ कितना ही भयानक क्यों ना हो लेकिन हमको कोई डर नहीं लगता, तो मालूम है कि मिथ्या है। दूसरा है लेकिन मिथ्या है। अब यहां पे बहुत ऊंची बात की जा रही है, ये ज्ञानी निर्भय है क्योंकि उसने देख लिया है कि दूसरा है ही नहीं। ये थोड़ा जंप है कमरा पर। दूसरा हो, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई आके बैठ गया तो अब आपको डर लगेगा, मालूम ये चोर है, लुटेरा है, कौन है क्या। लेकिन धीरे से बात की, आप कहां से है, क्या है, अरे मालूम पड़ा वो तो पंचकुला का है, वो सेक्टर बीच में रहता है, तो बिल्कुल संबंधी है, अरे तो भय गायब हो गया कि नहीं? क्यों गायब हुआ? क्योंकि द्वैत परायापन चला गया। अब जिसको सद्गुरु आत्म वस्तु ही दिख रही है तो उसको डर क्यों होगा? आत्मा वस्तु भी एक श्लोक आया है, रज्जु सर्पवद आत्मान, बोले एक बार जहां मालूम पड़ जाता है कि दूसरा नहीं है, द्वैत नहीं है, तो क्या, तो इसलिए कुतुब है। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात जो हमने कही कि आभास मात्र मिथ्या है। देखो रस्सी पर सर्प दिख रहा है, जब तक सर्प में सत्य बुद्धि थी भय लग रहा था, जैसे ही मालूम पड़ा वो सर्प झूठा है तो हम अपने आप पर ही हंसेंगे और हम ये देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है कि मैं डरा हुआ था, ये भी इज्जत का सवाल है। तो जहां मिथ्या तो सिद्ध हुआ, निर्भयता की प्राप्ति। जैसे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों को कभी कभी वो बच्चे क्या खेलते हैं आपस में, मुखोटा लगा के डरा रहे हैं, हाँ शेर का जीत। लेकिन एक बार उसने मुखोटा हटा के बता दिया कि मेरे को, अब उसके बाद मुखोटा लगा वो बच्चा हंसता है, बोले आप नहीं डरेंगे क्योंकि वो परमार्थदर्शी हो गया, सत्य का उसको ज्ञान हो गया। देखिए वेदांत की बातें बहुत अच्छी है, यदि हमको समझ में आने लगे इससे बढ़िया कुछ है, अमृत है अमृत। जनक महाराज को जब अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया और उसको ज्ञान हो गया, तो जनक जी को कहा उन्होंने कि अभयम वही प्राप्तो सी जनक, अब तुम निर्भयता को प्राप्त हो गए हो। इसलिए सिद्ध लोग कहीं भी चले जाते हैं उनको भीति नहीं भय। यहाँ ये बात, तो देखो ज्ञान का क्या परिणाम हो रहा है, ज्ञान का ये सब फल है, फल श्रुति बोलते हैं। अब आगे दसवां श्लोक इसको हम पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। मूढ़स्तु रागी विषयेषु नित्यं विवेकिनस्तेषु विरागैव आश्चर्यमेतत् खलु तत्त्ववेत्ता वैराग्यभावेऽप्यधुना विरक्तः। यहाँ पे तीन लोगों की चर्चा की, बोले एक रागी है, मूड है, एक विवेकी है और तत्वज्ञानी है। मूड विवेकी और तत्वज्ञानी, मूढ़ मतलब बिल्कुल अज्ञानी, तो अज्ञानी का तो विषय में खूब आसक्ति,
विवेकी की क्या है, विरक्ति, वो विषयों में विरक्त है और बार बार विषय देख के वो भागता है, भागता है या फिर कहता है हमको इसमें पढ़ना नहीं है, हमको इससे दूर रहना है। लेकिन जो तत्ववेत्ता है उसको वैराग्य से भी वैराग्य हो गया, ऐसा है नहीं। मतलब क्या, अब उसको ये बार बार नहीं लगता कि इस वस्तु में मुझको आसक्त नहीं होना है, उसको सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम हो गया कि वस्तु है ही नहीं, वहां मिथ्या है। जब तक वस्तु में सत्य बुद्धि है और हमको लगता है कि हम इसमें आसक्त हो जाएंगे तो पतन हो जाएगा, तो हम उससे क्या थोड़े सावधान रहेंगे, दूर रहेंगे, अवॉइड करेंगे। बट द मोमेंट जिस क्षण आपको लग गया कि वो है ही नहीं, तो उसे भागने की क्या जरूरत। तो ये तत्ववेत्ता जगत से भागता नहीं, जगत से डरता नहीं, क्योंकि उसके लिए जगत की सत्ता ही ऐसा है। कल उसको थोड़ा और देखते हैं।